नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे खबर पखांजूर से है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। पखांजूर से ये खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो नक्सलियों को ढेर किया गया है। जाम्बिया गच्चा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पखांजूर के जाम्बिया गच्चा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो नक्सली ढेर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज शाम 4 बजे से कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शाम 4 बजे से कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 18 वर्ष से ऊपर के लोग आज रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी की टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक है। कोरोना की रोकथाम को लेकर समीक्षा की सीएम योगी की टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक। कोरोना की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए समीक्षा की गई है। कोरोना मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को दवाई, इंजेक्शन, बेड की कोई भी कमी ना हो। कालाबाजारी करने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई हो, साथ ही जेल भेजकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। तो सीएम योगी ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना की रोकथाम को लेकर ये बैठक की गई। इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए।